इस पर जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा उस पर लेकर क्या आपको कोई चिंता है? उन्होंने कहा कि जीडीपी यानी जो विकास दर है उस पर असर होगा और वो कह रहे हैं कि 2% कम हो जाएगी और वो ये भी कह रहे हैं कि ये मैं आपको कम करके बता रहा हूं। देखिए मनमोहन सिंह जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कहा उस पर मैं टिप्पणी बाद में करूंगा, मगर मैं उनसे उनके बारे में एक बात मेरे मन में बहुत समय से समझ में नहीं आती थी, आज मैं आपने पूछ लिया है तो सबके सामने बताता हूं। मनमोहन सिंह जी 1975-76 से किसी न किसी प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े रहे, चाहे वो वित्त सचिव हो, चाहे नीति आयोग के अध्यक्ष हो, चाहे रिजर्व बैंक के गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री के सलाहकार हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो। मैं इतना पूछना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी से, श्रीमान आज तो आप ये सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, मगर 75 से इस देश की अर्थव्यवस्था के निर्णायक सर्कल के अंदर आप हैं, आपके इतने साल के कामकाज के बाद इस देश की जनता के 60 करोड़ लोगों के घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है श्रीमान मनमोहन सिंह जी बताएंगे? अगर ये अव्यवस्था बनी है और इसके लिए कोई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो जिन लोगों ने इतने लंबे सालों तक अर्थतंत्र के महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है वो है। हम तो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं जी, और क्योंकि काम कठिन है तो शुरू ही न करो, ये कहां का सोच है? हम ये सोच को नहीं पाटते हैं, कठिन काम है तो सबसे पहले शुरू करो, हौसले के साथ आगे बढ़ो, ज्यादा परिश्रम करो और समाप्त करो जी। और हमें भरोसा है कि ये हो जाएगा, बहुत भरोसा है जी। कि हो जाएगा और देश ने भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर जो भरोसा करा है आज भरोसा क्षुण है। इतना विपक्ष के उकसावे के बाद भी, इतने उकसावे के बाद अभी विपक्ष के नेताओं के मैं मुंह देखता हूं, इतने लाल तो मैंने चुनाव में भी नहीं देखे थे, न मालूम क्या चला गया है, मालूम नहीं पड़ता लाल या सफेद, लाल लाल है भाई गुस्से से, ये क्या हो गया? इसके बावजूद भी आज जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ खड़ी है, नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखकर खड़ी। और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था कि 40-50 दिन तकलीफ पड़ सकती है, हो सकती है, 70 साल की जो बीमारी है वो अगर 50 दिन में कोई व्यक्ति ठीक कर दे देता है तो मैं मानता हूं देश का गरीब अमीर व्यापारी किसान सब ये बीमारी दूर करने। मैं अपना सवाल कंटिन्यू कर रहा हूं कि जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जब कहा उनका किसानों पर असर पड़ेगा, विपक्ष लगातार हल्ला कर रहा है कि रवि की बुआई चल रही है और रवि की बुआई पर असर पड़ेगा क्योंकि लोगों के पास खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए पैसा नहीं है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं है। आपकी सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछली बार जो रबी की बुआई हुई वो 313 लाख हेक्टेयर हुई, इस साल वो बुआई अभी तो बाकी है 327 लाख हेक्टेयर, मतलब आप अभी को देखें तो 14 लाख हेक्टेयर अभी भी ज्यादा हो चुकी है, पर इसका प्रचार प्रसार नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि किसान को मालूम है मेरे खेत में बुआई हो चुकी है, लोग परस्पर सहयोग कर रहे हैं, खाद वाले ने खाद दिया है, बीज वाले ने बीज दिया है, कोऑपरेटिव स्टोरों ने किसान को क्रेडिट बढ़ा है, नाबार्ड ने 21,000 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। अब किसी के कहने से क्या फर्क पड़ जाता है भैया, जब जीडीपी का आंकड़ा बनेगा और जब एग्रीकल्चर में -2 वाले प्रधानमंत्री जब कहेंगे और यहां +2 होएगा तो जनता जान ही जाएगी कि अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नेगेटिव था और एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री के समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट आगे है।